इसराइल हमास जंग और विस्फोटक हो गई है। हिजबुल्ला चीफ के ऐलान से पहले हमले तेज हो गए हैं। आज बड़ी रैली होने वाली है इसराइल पर। हिजबुल्ला ने दागी 25 मिसाइलें। इसराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। इसराइली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, नसरल्ला की स्पीच से पहले बारूदी ट्रेलर भी जारी किया गया है। इसराइल पर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया गया है। ड्रोन के जरिए आईडीएफ के अहम ठिकाने तबाह किए गए हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि आईडीएफ को भारी नुकसान है। तो हिजबुल्ला का जरा बारूदी ट्रेलर भी आप समझ लीजिए। लेबनान से इसराइल पर एक साथ 20 हमलों का अंजाम दिया गया। किरियत शमोना में 12 मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्ला की तरफ से यह सब कुछ किया जा रहा है आईडीएफ के खिलाफ। आईडीएफ के जबदीन बैरक पर ड्रोन से हमला भी किया गया। आर्टिलरी से गोले दागे गए। हमले का वीडियो बकायदा देखिए, आपको हम दिखा रहे पॉइंटर्स के साथ साथ जो वीडियो भी सामने आया। हमले का वीडियो खुद जारी किया है। तीन सवाल है यहां पर। क्या यह हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के ऐलान से पहले की रणनीति है? क्या वो दिखाना चाहता है कि क्या ताकत है हिजबुल्ला की? क्या वीडियो से इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि क्या मकसद है खुद वीडियो को जारी करना हमले का? क्या हमले के लिए लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है? ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हिजबुल्ला का जो बारूदी ट्रेलर है वो हमने आपको दिखाया। दीपक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने, और ये ठीक देखिए किससे पहले आ रही, आज जो शाम 6 बजे ऐलान होने वाला है उससे पहले इस वीडियो को जारी किया गया, और वीडियो जारी करके अपनी ताकत आईडीएफ को दिखाई, इजरायली सेना को दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी तक आपके साथ हूं और कॉफी भी पी है, बहुत अच्छी थी। अभी आपने जिक्र किया है कि ये वीडियो जारी किया गया और आज शाम को जो ऐलान होने वाला है। सर, एक रॉबर्ट मर्टन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उनका एक कानून है, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप कुछ करना चाहते हैं, परिणाम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था। 50 साल मुझे हो गए हैं कूटनीति में, और अब मैं आपको बताता हूँ सर, 3 अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होने वाले हैं जो इस समय हो रहा है। इसराइल पर बहुत प्रेशर पड़ा। इसराइल घोषित कर देगा कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं और मैं उनका इस्तेमाल करने से नहीं चूकूंगा। दूसरा, लेबनान का जो कुछ बचा है वो सब खत्म हो जाएगा सर, पहले ही बर्बाद हो चुका है। हिजबुल्ला की सरकार है, लेबनान में कुछ नहीं है। और तीसरा सर, ईरान के ऊपर अगेंस्ट प्रतिबंध और बढ़ेंगे, वहां के लोग उठेंगे और इन आयतोल्ला लोगों को उनके 72 हूरों के पास भेज देंगे। ये 3 चीजें आप देखेंगी अगले 4 हफ्तों में। 3 बड़ी बातें आपने बताई दीपक जी, लेकिन एक बड़ी बात आपने ये कही कि इसराइल की तरफ से परमाणु हथियारों को लेकर भी बड़ा ऐलान संभव है, अगर ये जो गुट है वो उनको तंग करेंगे या परेशान करेंगे या सिरदर्दी हो जाएगी।